देखिए, ये सवाल ज़रूर चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन नया बनेगा, मगर मैं आपको एक पूरी जिम्मेदारी के हिसाब से बता रहा हूँ, ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है, जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है और आने वाले 5 साल में भी होगी। इस 2-3 महीने की वैल्यू इतनी है, या शायद 1 महीने की, कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। हम में से एक साथी मतलब वो अभी मौजूदा मंत्रिमंडल का कोई आदमी हो सकता है? देखिए, वो मौजूदा मंत्री भी हो सकता है, वो मौजूदा विधायक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और कल जो है मुख्यमंत्री जी ने पीएसी के सदस्यों से और मंत्रिमंडल के सदस्यों से लंबी चर्चा की, सबसे अलग अलग चर्चा की, और आज विधायकों से जो है एक चर्चा होगी, और हो सकता है कि उस चर्चा के बाद कोई नाम सामने आ जाए। आपने कई जगह कहा भी कि आतिशी का नाम ज्यादा चल रहा है, मेरा नाम नहीं चल रहा है। देखिए, मैंने अब कोई आदमी मुझे अपने टीवी स्टूडियो में बिठा के बोले कि साहब आप भी मुख्यमंत्री हैं, आपका नाम भी चल रहा है, तो मैंने उनको बोला मेरा नाम नहीं चल रहा है। बाकायदा वो कई नाम चला रहे थे, तो मैंने कहा हाँ ये सब नाम चल रहे हैं और आप ही लोगों के माध्यम से जो है ये नाम सुनाई देते हैं, कभी अखबारों में सुनाई देते हैं, कभी टीवी में सुनाई देते हैं, और मुझे लगता है अच्छा है। कई नामों का चलना जो है एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपरा के लिए बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन वो सब आकलन है, और अभी जैसा आपने कहा कि अगले 1 महीने 1 साल या 2 साल के लिए जो भी सीएम बनेगा उस मामले में, क्योंकि अभी उपराज्यपाल से बीते कुछ समय से लगातार दूसरा खींचा तानी रही, सीएम जब जेल में रहे तब भी आपकी बात हो, आतिशी की बात हो, तो क्या आप लोग कहेंगे कि ऐसा कोई नया व्यक्ति? देखिए, मैं आपको और आपके माध्यम से सारी जनता को बताना चाहता हूँ, विनय सक्सेना जी अगर LG ना होके किसी, मान लीजिए किसी कॉरपोरेट कंपनी के अंदर एक अफसर होते और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते, तो उनका क्या झगड़ा था? कुछ नहीं होता। विनय सक्सेना जी और उनसे पहले जो LG रहे, या आज की तारीख में जो भी गवर्नर केंद्र सरकार बनाती है, वो लगातार चुने हुए मुख्यमंत्रियों से लड़ते हैं, कामों को रोकते हैं, चाहे वो बंगाल का मामला हो, पंजाब के अंदर आपने देखा कि कानूनों को रोक रखा था, सुप्रीम कोर्ट जाके जो है बिल पास कराए गए, केरल के अंदर भी यूनिवर्सिटी के अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। तो इसके अंदर अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पे और विनय सक्सेना जी के व्यक्तिगत तौर पे इनकी क्या केमिस्ट्री, इसकी कोई मायने ही नहीं है। उनको एक मैंडेट है केंद्र सरकार की तरफ से कि आपको दिल्ली के काम रोकने हैं, जो नालायक अफसर हैं उनको अच्छे विभागों में रख के उनकी नलायकी को नज़रअंदाज करना है, वो अगर काम रोकते हैं तो भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी है, बार बार कहने पर भी उन पर कार्रवाई नहीं करनी है, अच्छे अफसरों को तबादले कर देने हैं, तो ये उनका मैंडेट है। वे व्यक्तिगत तौर पे कोई ना बुरे होंगे, उनको ऊपर से जो केंद्र सरकार ने कहा है वो करेंगे, जिस दिन करना बंद कर देंगे उस दिन उनकी नौकरी चली जाएगी, कोई नया LG आ जाएगा, कोई कमी कोई ना लोगों की। जो खबर है कि 4:30 बजे सीएम जाएंगे अपना इस्तीफा देंगे और इसी दौरान नया मुख्यमंत्री जो होगा वो अपना दावा पेश करेगा। देखिए, मेरे को पहले स्टेज की खबर है कि मुख्यमंत्री जाएंगे और अपना इस्तीफा जो है उपराज्यपाल को उनके माध्यम से राष्ट्रपति को देंगे। नए मुख्यमंत्री का फैसला भी जो है शाम को वो उपराज्यपाल महोदय को देंगे, इसकी जो है मैं पुष्टि अभी नहीं कर सकता, ये अभी डिपेंड करेगा कि अभी विधायक दल की मीटिंग होगी, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा उसके बाद तय होगा। शपथ को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है कि कब शपथ? नहीं, मुझे लगता है कि पहले तो जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं उनका इस्तीफा जो है एक्सेप्ट होगा, फिर जो है नए मुख्यमंत्री का दावा एक्सेप्ट होगा, फिर जो है उनको शपथ के लिए कोई तारीख मिलेगी और वो शपथ लेंगे। एक और सवाल सर, जो अभी क्योंकि आपके यहाँ मंत्रिमंडल में एक पद खाली है, सीएम की स्थिति के बाद 2 पद खाली हो जाएंगे, तो एक मुख्यमंत्री बनेगा, 2 नए मंत्री बनाने पड़ेंगे आपको, तो उसे लेकर भी कोई चर्चा हो रही है कि साथ में ही आपका मंत्रिमंडल की जगह भी भरी जाए? देखिए, इसकी गुंजाइश है,
मगर अब जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे वो किस तरीके से फैसला लेंगे, अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पीएसी किस तरीके से जो है मंत्रिमंडल विस्तार पे फैसला लेगी, ये बात की चर्चा जो है कल पीएसी में नहीं हुई है। मुझे लगता है समय आने पे इस पर भी चर्चा होगी। इससे जुड़ा एक और सवाल अभी, क्योंकि आपके जो पद खाली है, आपके जो एससी एसटी कोटे से मंत्री थे राजकुमार आनंद, उनका इस्तीफा हुआ था, तो इसकी संभावना है कि उसी कोटे से कोई नया मंत्री भी आए? देखिए, ये संभावना जो है 100% है कि राजकुमार आनंद, क्योंकि एससी एसटी समाज से ताल्लुक रखते थे और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में ले लिया, ईडी का छापा डाल के उनको, उनके ऊपर दबाव था, तो अब जो मंत्री उनकी जगह आएंगे वो एससी एसटी बिरादरी से आएंगे, ये बात 100% है, इसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं।